भारी संख्या में लगातार तमाम जो अन्य पार्टी के नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और बीजेपी का जो कुनबा है वो और बड़ा होता चला जा रहा है। ऐसे में इस पूरे वाक्य को लेकर मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है डॉक्टर मोहन यादव का, वो आपको सुनवाते हैं। सरकार से आज भी ज्वाइनिंग हुई, कौन सी पार्टी बची है जिसमें कोई कार्यकर्ता रहना चाहते हैं? सभी भाजपा में आना चाहते हैं। मैं भाजपा में आने वाले सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का सबका स्वागत करता हूं और हमने आश्वस्त किया है कि भाजपा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार भी बनाने जा रही है और हमारी सरकार सभी लोगों का सम्मान का ध्यान रखेगी, उनके सुझाव पे काम करेगी और जनता की सेवा को लेकर के सरकार जिस ढंग से अभियान में चल रही है, मैं निश्चित रूप से सबको लेकर के मध्यप्रदेश की युवा शक्ति का, गरीब लोगों का, किसानों का, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए प्रदेश को नंबर वन राज्य बनाना, तो सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास सबका विश्वास, इस मूल मंत्र पे हम सब साथ चलें। वहीं छिंदवाड़ा में आज कमलनाथ को एक और बड़ा झटका लगने वाला है, जहां पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के छोटे बेटे अजय सक्सेना थोड़ी ही देर में बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। इसके लिए वो बाकायदा काफिले के साथ छिंदवाड़ा से भोपाल के लिए निकल चुके हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जबलपुर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी की लहर ऐसी है कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी 10 दिन पहले ही लोकसभा के प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। इस बार के लोकसभा चुनाव में हम मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार में 400 पार का नारा पूरा करने जा रहे हैं। प्रकार से जनता का रिस्पांस मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। निश्चित रूप से हमारे इस माननीय मोदी जी का जो लहर चल रही है, यही हालत है कि कांग्रेस को प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहे हैं। आज की स्थिति में जब हमने सारे प्रत्याशी लगभग 10 दिन पहले डिक्लेयर कर चुके कांग्रेस को, आज सारे बड़े बड़े महानगर से उनकी सीटों पर कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे, जनता का रिस्पांस भाजपा के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा फिर एक प्रचंड बहुमत की जीत की तरफ बढ़ रही है। और ये जो हमारा टारगेट था 2014 में हम 27 जीते, 2019 में 28 जीते और अब क्लीन स्वीप करने वाले हैं और जो अब की बार 400 पार माननीय मोदी जी का जो नारा है, निश्चित रूप से हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्रुत गति से आगे बढ़ेगी और विकास के किसी मामले में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में रानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस कार्यक्रम में शिरकत की, जहां बरगी में भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम मोहन ने रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह भी मौजूद रहे।